हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, है ना। ये पीच कलर के हैं और ये मैं इसी साल लेके आई थी खरीद के, 20 रुपीज़ में लेके आई थी। और इसमें कितनी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, बहुत ढेर सारे। मैं कई कलर लेके आई थी, इस बार भी 5-6 कलर लेके आई थी। ये तो मेरा लास्ट ईयर का है, पिंक है और ये पीच कलर है। इस बार मैं 5 कलर लेके आई थी, रेड लेके आई थी, पीच लेके आई, पिंक लेके आई, एक कलर और लेके आई थी, 3-4 कलर लेके आई थी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ना, इतने सुंदर लग रहे हैं। आज हम इसके पोटोलका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे ऐसा प्लांट जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, बहुत अच्छे लगते हैं वो फूल। और चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ये है क्वाइन प्लांट, इसे ब्रह्मी भी कहते हैं। और ये बहुत प्यारा लगता है और ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर आपकी आदत पानी डालने की है बहुत ज़्यादा, तो आप ये ज़रूर लगाइएगा। जो गार्डनर होते हैं ना, जिन्हें पानी हर समय डालते रहने, तो वो आराम से इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसे पानी बहुत पसंद है। ये वाटर प्लांट भी कह सकते हैं, इससे ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैं इसमें पानी भर रही हूँ, ये मिट्टी का जो करवा टाइप का होता है ना, वो है। तो इसी में मैंने ये कलश के लिए यूज़ किया था, कलश बनाया था, तो इसीलिए उसी में मैंने ये लगा दिया है पेनीवर्ट। तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और ये लैगी लैगी हो गया है, क्योंकि मैंने इसे शेड में रख दिया था तो थर्ड फ्लोर पर ही। इसमें देखिए पानी बहुत स्लो आ रहा है, इतना कम पानी आ रहा है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा पर पानी आ ही नहीं पा रहा है। इसकी कुछ पत्तियाँ भी पीली हुई हैं, क्योंकि अब मैंने इसे निकाल कर इधर रखा, तो अब इसमें पीली पत्तियाँ होने लगी हैं। इसमें बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। इस तरह की अगर पीली पत्तियाँ हो जाती है, तो आप इसे निकाल दीजिएगा और इस तरह से रख दीजिए, जिससे कि नमी बनी रहे। और बहुत अच्छी लगती है, शाइन आता है, मगर अभी धूप आंधी बहुत चल रही है और नीचे रखने की जगह नहीं है हमारे यहाँ। नीचे जो सकलेंट वगैरह भी रखे हैं बचाने के लिए, उन्हीं के लिए मैं सुनना पड़ रहा है। तो मैं इस तरह से सोच रही थी, रख दूँ, नहीं ऐसे नहीं आ पाएगा, सारा ये फर्टिलाइज़र मेरा गिर जाएगा। तो इसमें मैं फर्टिलाइज़र वगैरह भी थोड़ा सा ऐड करती रहती हूँ। रिसेंटली लेके आई थी मैं ये, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है और ये छुपा छुपा के रखना पड़ रहा है मुझे। अगर ये शेड में रख देते तो लैगी लैगी हो जाती है, धूप में रखते हैं तो समस्या हो जाती है, धूप में रखो तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जलने लगती हैं, पत्तियाँ इसकी पीली पड़ने लगती हैं, बहुत समस्या हो रही है। इस समय बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो इस पेनीवर्ट को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, तो इसकी मिट्टी जब भी बनाए तो उसमें थोड़ी सी कोकोपीट ज़रूर मिला लें। स्पेशली गर्मियों में तो कोकोपीट ज़रूर मिलाएं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, सूख जाती है तो ये बिल्कुल पत्ते बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें नमी बनाने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर रखें, लोकेशन अच्छे से ऐसी जगह रखें जहाँ ठंडक रहे, इसे मॉइस्चर रहे। इसे पहले मेरी लोकेशन मैंने यहाँ पर रखी थी, देखिए इस जगह पर रखी थी यहाँ पर, तो पता नहीं क्यों यहाँ रखने से बिल्कुल पीले पत्ते होने लगते, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो फिर मैंने अब यहाँ रखे हैं फिर से, पहले इसके नीचे रख दिए थे मैंने, इसके पीछे जो बड़े प्लांट है उनके पीछे रख दिए थे, तो ये पत्तियाँ लगी लगी होने लगी, लंबी लंबी सी, तो फिर मैंने पीछे रखा जाके उस साइड में जो बताई थी, दिखाई थी आपको, तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगी, बहुत जल्दी सूखने लगा था, पता नहीं डायरेक्ट हवा लग रही थी क्या चक्कर है। अब फिर मैंने इसे हटाया, वहाँ से इधर रखा है। तो अब जब ये भर जाता है ना पूरा, अब ये मटकी जैसा है मेरा, मैं अभी सोच रही हूँ कोई कुछ जिसका डायमीटर बड़ा हो, ऊपरी हिस्सा मुँह खुला हुआ हो, उस तरह का पॉट लूँ, क्योंकि इसमें से जगह नहीं मिल पा रही है बढ़ने के लिए। इसके बहुत ढेर सारे स्पैक्स निकलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ढेर सारी पत्तियाँ निकलती रहती हैं और बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है, इस पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। दो नोड एरिया हो, जैसे मनी प्लांट में होती नहीं नोड एरिया, वहीं से इसकी रूट बनना तैयार हो जाती है, बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है। एक पत्ती से आप लगा सकते हैं इसे, बस नोड एरिया होना चाहिए, नोड एरिया मिट्टी में दबा देंगे तो वो आसानी से चल जाएगा। अगर वाटर कैबेज वगैरह लगा रखी है तो उसमें भी आप रख सकते हैं, वाटर लिली लगा रखी है तो उसमें भी आप इसी पॉट को ऐसे रख दीजिए, क्योंकि इसे मॉइस्चर पसंद है बहुत ज़्यादा, पर ज़्यादा पानी भी नहीं पसंद है, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पत्तियाँ गलने लगती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सर्दियों में इसे जो फोग वगैरह पड़ता है, कोहरा पड़ता है, उसे थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, वरना ये बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि कोहरे से इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल बुरी तरह का हो जाएगा। और गर्मियों से तो खैर बचाना ही बचाना है, थोड़ा सा ऐसे जगह रखिए जहाँ खूब ढेर सारे बड़े बड़े प्लांट हो, उनके बीच में छुपा के रख दीजिएगा। बिल्कुल शेड में रखेंगे तो भी इसकी पत्तियाँ देख रहे हैं आप कैसी लंबी लंबी हो गई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा। और देखिए मेरी रैन लिली वजह से खिलने लगी है, जैसे मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो रैन लिली खिल जाती है। थोड़ा सा बारिश तो नहीं हुई, बट हाँ हल्का थोड़ी सी
बूंदाबांदी हो गई थी। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन शेयर है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ भी मिलते हैं, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।